अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। लखनऊ के मलिहाबाद के आमों का विदेश में बड़े पैमानों पर निर्यात किया जाता है। देश के दूसरे राज्यों में भी यहाँ के आमों की मांग अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। हालांकि इस बार आम की फसल को भी बेहद नुकसान हुआ है। इस बार आंधी और पानी ने आम की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। पहले ही आम की फसल में फूल ज्यादा आने की वजह से आम के बौर कम आए थे और बारिश और आंधी की वजह से बाकी बचे आम भी गिर गए। इसके अलावा गर्मी ज्यादा होने की वजह से आम समय से पहले ही पक चुके हैं, जिससे काफी आम खराब भी हो गए हैं। इस बार आम के बौर बेहद कम निकले थे। इस बार पेड़ पर दवाओं का भी उतना असर नहीं दिखा है। बची कुची कसर मौसम ने निकाल दी। पहले के वर्षों में जिस कीमत पर आम बिकता था वह मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। आम की पैदावार 80 सालों में सबसे ज्यादा कम हो गई है। इससे इसका निर्यात भी इस साल बंद हो गया है। वहीं ऑल इंडिया मैंगो एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक इस बार पैदावार भी कम हुई है। गर्मी में आम पहले ही पककर खराब हो चुके हैं। ऐसे में अब किसानों को सस्ते दामों पर इसे मार्केट में बेचना पड़ रहा है। इससे आर्थिक तौर पर किसानों को बेहद नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।